राजधानी पटना से सटे मनेर में अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी को गोलियों से भून दिया। दवा व्यवसायी के इलाज के दौरान पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद मनेर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हत्या क्यों हुई, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि दवा व्यवसायी का जमीन के कारोबार में भी रिश्ता रहा है, संभवतः इसी कारण उसकी हत्या हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि मनेर थाना के अंतर्गत सराय पंच मुहानी के पास दवा व्यवसायी गोरख कुमार अपनी दुकान खोल रहे थे। इसी बीच पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उनको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आनंद फानन में उनको इलाज के लिए पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास में दहशत का माहौल व्याप्त है। मृतक की पहचान न्योरा थाना के अंतर्गत जमुनीपुर निवासी गोरख कुमार के रूप में हुई है। बुधवार को भी वो रोज की तरह अपनी सराय पंचमुखी के स्थित दुकान को खोल रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद उसी से फरार हो गए। आसपास के लोगों का कहना है कि अपराधी वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मुरेर प्रभारी थाना अध्यक्ष मुमताज अंसारी सहित आसपास के कई थानेदार अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। मुनेर प्रभारी थाना अध्यक्ष मुमताज अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है। शव को अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल से दो खोया बरामद घटनास्थल से दो खोखा बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि में यह मामला जमीन से संबंधित लग रहा है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधी की पहचान हो सके। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पुलिस को घटनास्थल पर दो खोखा मिला है। घटना के संबंध में जो सूचना मिली है उसके अनुसार मृतक गोरख कुमार अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दवा का व्यवसाय करने के साथ साथ वह जमीन का भी कारोबार करता था। जैसे ही पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि मनेर में सराय पंचायत में एक पंचकुहानी मोड़ है, वहाँ पे एक गोरख राय नाम का व्यक्ति था जो जमनीपुर नेवरा का रहने वाला था, उसे किसी व्यक्ति द्वारा जो है गोली मार के घायल किया गया है और उसके परिजन और जो अगल बगल के लोग थे वो उसको लेकर के पारस अस्पताल गए। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची, घटनास्थल पर कुछ कोठा बरामद किया गया। उसके अलावा पुलिस पारस अस्पताल भी गई, वहाँ गई तो पता चला कि जब तक वो यानी पारस अस्पताल पहुँचे ही थे या एंट्री हुई किसी से उनकी मृत्यु हो गई। परिजन से बातचीत की जा रही है, जो प्रथम दृष्टया परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि उनका कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद था। परिजन द्वारा उन्हीं लोग के बारे में बताया जा रहा है, जो बताया गया उसके अनुसार पुलिस जो है रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है ताकि जो भी संदेही है उनसे पूछताछ करके और भी पता किया जा सके। कितने खोखा बरामद हुए हैं? अलावा जो है वहाँ पे सीसीटीवी जो है बगल स्कूल है वहाँ पे भी एक टीम के द्वारा सीसीटीवी देखा जा रहा है, जो मोबाइल से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो भी किया जा रहा है। कितनी खोखा बरामद हुई है सर? देखिए जो वहाँ पे जो पुलिस पहुंची थी, जो उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उन्हें दो गोली मारी गई। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।